इस वीडियो में हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन महोली प्लेस। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4 एट द रेट 100 पर मीटर। इट विल कॉस्ट द ब्लेज पंचायत 75,000 रुपीज टू फेंस द प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। महोली गांव में एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व किया गया है विद्यालय बनाने में। इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ का रेशो जो है 11:4 है। ग्राम पंचायत को इस प्लॉट की बाउंड्री कराने में 100 रुपीज पर मीटर की रेट से 75,000 स्पेंड करने होते हैं प्लॉट की डायमेंशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ प्लॉट जो है रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर जो है वो लेंथ ऑफ ब्रीथ में मापी जाती है। तो यहाँ पर डायमेंशन का मतलब यह है कि लेंथ ऑफ ब्रीथ की माप क्या है ये फाइंड करना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम प्लॉट की लेंथ ऑफ ब्रीथ रेशो के हिसाब से मान लेंगे। लेट लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x एंड 4x। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो है जो प्लॉट की बाउंड्री बनानी है, तो प्लॉट की बाउंड्री हम जो है बनाएंगे तो प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप का है। तो हमें जो है पैरामीटर निकालने की आवश्यकता होगी। तो हमें जो है पैरामीटर हमें फाइंड नहीं है, तो पहले हम जो है प्लॉट का पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो प्लॉट का पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम टोटल अमाउंट को जो है जो 1 मीटर में खर्चा आ रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो है पैरामीटर प्लॉट का पता चल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लॉट का पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। टोटल कॉस्ट कितनी हमारी 75,000 रुपीज़ है। 75,000 रुपीज़ लिख देंगे और 1 मीटर का जो खर्चा आ रहा है वो 100 रुपीज़ आ रहा है, तो अपॉन में 100 ऐड कर देंगे। 20 से 20 कैंसिल हो गए, इधर आ गए हमारे 750 मीटर। तो प्लॉट का पैरामीटर आ गया हमारा 750 मीटर। अब देखिए, रेक्टेंगुलर प्लॉट का पैरामीटर का फार्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू टू ब्रेकेट एल प्लस बी। अब देखिए पैरामीटर हमने रेक्टेंगल का फाइंड कर लिया है, 750 है, राइट कर देंगे। टू ब्रेकेट लेंथ हमने मानी है 11x, प्लस ब्रेथ है हमारी 4x। 750 इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई 11x और 4x हो गए हमारे 15x। 750 इज इक्वल टू 15 × 30 x हो गए। अब देखिए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 30 जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में जाएंगे तो डिवाइड में जाएंगे, x इज इक्वल टू 750/30। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 3 बन जाए 3, 3 × 6 बचे 1 हो गए 15, 3 × 5 = 15, x बराबर 25। हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखिए प्लॉट की लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 11x था, x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू आई हमारी 25। अब 11 की जो है 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 5 = 55 कैरी 5, 11 × 2 = 22 हो गए हमारे, 11 × 2 = 22 हो गए हमारे 27 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू हमने माना था हमने 4x, 4 × x की वैल्यू फाइंड हुई हमारी 25, 25 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 4 = 100 मीटर। तो हमारी जो है लेंथ ऑफ ब्रिथ दोनों हमारी फाइंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, हसन वाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 rupees per meter एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 rupees per meter। हसन स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है, इसमें शर्ट के कपड़े की कॉस्ट 50 rupees per meter और ट्राउज़र की कॉस्ट 90 rupees per meter है। आगे देखिए, फॉर एवरी 3 meters ऑफ द शर्ट मटेरियल ही वॉइस 2 meters ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। वह शर्ट के प्रत्येक 3 meter कपड़े के लिए ट्राउज़र का 2 meter कपड़ा खरीदता है। ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% and 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। हिज टोटल सेल इज 36,600। वह इस कपड़े को 12% और 10% की प्रॉफिट पर बेचकर 36,600 प्राप्त करता है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो उसने जो है ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा खरीदा ये हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम मानेंगे लेट मटेरियल वॉट फोर ट्राउजर
एंड शर्ट्स वी 2x मीटर एंड 3x मीटर। अब जो है फाइंड करेंगे, सबसे पहले शर्ट के कपड़े की कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू, अब देखिए शर्ट का जो हमने कपड़ा माना है वो 3x मीटर माना है, और हमें जो है 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से हमें वो मिल रहा है, और हमें कपड़ा ख़रीदना है 3x मीटर। तो 3x की 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शर्ट के कपड़े की कॉस्ट हमें जो है पता चल जाएगी। तो देखिए 50 × 150x, तो शर्ट के कपड़े की कॉस्ट आ गई 150x। अब देखिए शर्ट जो बेचा गया है, शर्ट का कपड़ा वो 12% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो जो है शर्ट के कपड़े की सेलिंग प्राइस हम फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस एट 12% प्रॉफिट, अब सेलिंग प्राइस का जो है प्रॉफिट का फार्मूला होता है 100+ प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 × सीपी मीनिंग कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100+ प्रॉफिट परसेंट है हमारा 12 ऐड कर देंगे अपॉन में 100 × कॉस्ट प्राइस है 150x। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा 100 और 12 हो गया 112 अपॉन 100 × 150x। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 5 से 15 भी कैंसिल हो रहा है, 10 भी कैंसिल हो रहा है, तो 5 से दोनों नंबर कैंसिल कर देंगे। 5 से 15, 5 × 2 = 10, 2 से 112 कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, बचे 1 हो गए 12, 2 × 6 = 12। अब देखिए यहाँ बचे हमारे 56 × 3x, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 6 = 18 कैरी 1, 3 × 5 = 15, 15 × 16x। अब जो है शर्ट के बेचने की कॉस्ट आ गई हमारी 168x। अब बात करेंगे हम ट्राउज़र की, तो ट्राउज़र का हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र इज इक्वल टू, अब देखिए ट्राउज़र का हमें कपड़ा ख़रीदना है 2x मीटर, और कितने के हिसाब से ख़रीदना है हमें 90 रुपीज़ के हिसाब से। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 92 × 180x। अब देखिए सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे ट्राउज़र का, तो ट्राउज़र को बेचने में जो है 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 10% प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला राइट करेंगे 100+P% यानी प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 × CP मीनिंग
कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा हमारा 10 का अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180x, यहाँ हो गया हमारा 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180x। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 जाए 18, 2 5 जाए 10, 5 से कैंसिल कर देंगे 110 को, 5 बन जाए 5, 5 2 जाए 10, 5 2 जाए 10। अब 9 से जो है 22 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जाए 18 कैरी 1, 9 2 जाए 18 119x। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे शर्ट की सेलिंग प्राइस आ गई और यहाँ पर जो है ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस आ गई। अब देखिए दोनों चीज़ों को बेचने पर जो है जो सेलिंग प्राइस है हमारा टोटल 36,600 है, तो दोनों को प्लस करने के बाद जो है हम लिख देंगे 36,600 के बराबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए ट्राउज़र और शर्ट की सेलिंग प्राइस का टोटल दे रखा है 36,600, अब दोनों को प्लस कर देंगे 168x प्लस 198x इजिकल टू 36,600। इन दोनों को प्लस किया तो हमारा हो गया 366x इजिकल टू 36,600। अब देखिए 366 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, एक्स इजिकल टू 36,600 अपॉन 366। तो इससे डिवाइड करेंगे, 366 बन जा 366 और 20 बचे, 20 लगा देंगे, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 100। अब देखिए ट्राउज़र मटेरियल कितना लगा वो हमें फाइंड करना है, तो ट्राउज़र मटेरियल माना था हमने 2x, 2 मल्टीप्लाई 100, x की वैल्यू आई 100, 100 राइट कर देंगे, 100 टू जा 200 मीटर। तो जो ट्राउज़र मटेरियल आया हमारा 200 मीटर। तो यहाँ आंसर में राइट कर देंगे, हैंस हसन बॉट 200 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पास में ही खेल रहा है, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हर्ड का मीनिंग जो है वो यहाँ पर झुंड से है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले जो है झुंड में हिरणों की संख्या मानेंगे, तब आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर ऑफ
of deer in the herd VX. अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है आगे कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आधे हिरन जो हैं वो मैदान में चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड तो हमने माने हैं एक्स माने हैं, तो एक्स के आधे जो हैं वो चल रहे हैं, तो एक्स का जो है हाफ कर दीजिए, एक्स अपॉन टू हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय इक्वल टू, अब जो है जो शेष बचे जो हिरनों की संख्या है, शेष बचे हिरनों की संख्या जो है 3/4 है, तो हिरनों की संख्या हमारी थी जो बची थी, आधे तो जो है मैदान में चल रहे हैं, अब आधे जो बचे उसका 3/4 वो पास में ही खेल रहे हैं, तो आधे का 3/4 जो है मैदान में क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की x से करें तो 3x अपॉन 4 × 8। अब देखिए 9 हिरन जो है तालाब में पानी पी रहे हैं, तो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू 9। अब देखिए इन तीनों टाइप के हिरनों को जो है प्लस करेंगे, तो प्लस कीजिए तीनों टाइप के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9, और तीनों टाइप के हिरनों की जो संख्या हमने मानी है वो x मानी है, तो तीनों का टोटल हो जाएगा x के बराबर, अपॉन में 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 8। देखिए 8 क्यों आया, क्योंकि 2 की टेबल में भी 8 आता है और 8 की टेबल में भी 8 आता है, इसलिए हमने एलसीएम ले लिया 8। 2 से 8 को डिवाइड किया तो 2 4 जाए 8 4 आया, और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x हो जाएगा, प्लस 8 से 8 को डिवाइड कीजिए 8 बन जाए 8, 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x बन जाए 3x, प्लस 1 से 8 को डिवाइड किया 8 आया, 8 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 × 9 = 72 इजिकल टू एक्स। अब देखिए 3x और 4x हो गए हमारे 7x प्लस 72 अपॉन 8 इजिकल टू एक्स, अपॉन में 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये हो गया हमारा 8x इजिकल टू 7x प्लस 72। अब देखिए राइट हैंड साइड में 7x जो है प्लस की हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 8x माइनस 7x इजिकल टू 72, 8x में से 7x माइनस कर दिए तो x बचे इजिकल टू 72, x की वैल्यू आ गई हमारी 72। अब देखिए हिरनों की कितनी संख्या आ गई, हमने x मानी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72, तो हिरनों की संख्या कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इजिकल टू 72 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर,
फाइंड देयर प्रेजेंट एज. दादाजी की आयु अपनी ग्रैंड डॉटर्स की आयु की 10 times है. यदि उनकी आयु ग्रैंड डॉटर की आयु से 54 years अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है ग्रैंड डॉटर की एज जो है एक्स मान लेंगे. लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स ईयर. देयरफोर ग्रैंडफादर्स एज. अब क्या है कि ग्रैंड डॉटर की जो है ग्रैंडफादर की एज जो है वो 10 times है, तो एक्स को जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x ईयर्स आ जाएगी. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ग्रैंडफादर की एज जो है वो ग्रैंड डॉटर से 54 years ज़्यादा है, तो हम जो है एक्स में जो है 54 जो है ऐड कर देंगे. राइट हैंड साइड में एक्स प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा. इज इक्वल टू 54. 10x में से 1x माइनस किए तो 9x बचे. इज इक्वल टू 54. अब x के साथ 9 जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में. x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9. 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 बन जाए 9, 9 6 जा 54. x इक्वल टू आ गया हमारा 6. तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज आ गई 6 years. प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की थी हमारी 10x. अब यहाँ पर x की वैल्यू लगा देंगे 6, तो 10 6 60 years. ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज आ गई 60 years. क्वेश्चन नंबर 10 है, अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज. 10 years एगो ही वाज 5 times हिज सन्स एज. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. अमन की आयु उसके बेटे की आयु की 3 times है. 10 years पहले उसकी एज पुत्र की एज की 5 times थी. दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अमन के पुत्र की एज मान लेंगे एक्स ईयर्स. लेट प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन बी एक्स ईयर्स. अब देखिए अमन की एज जो है अपने पुत्र से 3 times है, तो अमन की एज आ गई इज इक्वल टू 3x. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब गया 10 years पहले
तो पहले जो है 10 ईयर्स पहले की दोनों की एज हम फाइंड करेंगे, 10 ईयर्स एगो। एज ऑफ अमंस अमंस सन, तो हम जो है 10 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, तो अमन के सन में से जो है 10 माइनस कर देंगे तो एक्स माइनस 10 ईयर्स हो जाएगा। और एज ऑफ अमन की हो जाएगी 3x माइनस 10 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 टाइम्स थी। तो देखिए उसकी आयु कितनी है 3x माइनस 10 और पुत्र की आयु कितनी है x माइनस 10, तो x माइनस 10 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की x से करें तो 5x माइनस 5 10 या 50, 3x ये 5x प्लस के हैं लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस को जाएंगे इज इक्वल टू माइनस 50, माइनस के 10 है राइट हैंड साइड में आएंगे तो प्लस को जाएंगे, 5x में से 3x माइनस कर दिए तो माइनस के 2x बचे इज इक्वल टू माइनस 50 में से 10 माइनस कर दिए तो माइनस के 40 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आएगा हमारा 40/2, 2 से कैंसिल कर देंगे 2 2 2 2 2 4 0, एक्स की वैल्यू आ गई 20। अमंस सन्स एज आ गई हमने मानी थी एक्स, तो एक्स की वैल्यू ऐड कर देंगे 20 ईयर्स आ गई। अमंस एज थी 3x, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कर देंगे 20 और 20 थी जस्ट 60 ईयर्स। अमन के पुत्र की एज आ गई 20 ईयर्स और अमंस की एज आ गई 60 ईयर्स। तो ये स्टूडेंट्स दोनों की एज फाइंड हो गई। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।